हेलो नाथा जी, एक मसला हो गया। वो फरहान ने मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे गाड़ी लेके आ गया, तो हम अपने मिलने का प्रोग्राम किसी और दिन रख लेते। अम्मी किधर जा रही है बगैर बताए? क्या बदतमीजी है फरहान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आप इतनी घबराई हुई घर से बाहर निकली, मुझे परेशानी हो रही थी इसलिए पीछे आया आपके। शर्म नहीं आती तुम्हें? वहाँ से किस तरह बात करो, शक कर रहे हो मेरे ऊपर? अरे अम्मी शक कौन कर रहा है, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? तुम जैसी औलाद हो ना तो ये सब सोचने पर मजबूर कर देती है। सुंबुल से अजनबियत बरतते बरतते आपने मुझे भी अजनबी बना दिया। अच्छा अब मुझे घर लेके चलो, क्या सड़क पे खड़े करके तमाशा बनवाओगे? सबके सामने तमाशा बना रहे हो, पेमेंट करो इसे। औरत पर एतबारी नहीं करना चाहिए। न जाने क्यों मैं उस औरत की बातों में आ गया, सुंबुल को आजाद कर दिया और अपना बना बनाया काम बिगाड़ लिया। आ गई तुम, ले आई सुंबुल को? कहाँ है वो? मैं बहुत जल्द उसे ले आऊंगी। अरे यार देर पे देर हो रही है और तुम कह रही हो बहुत जल्द ले आऊंगी। लड़के वाले इंतजार नहीं करेंगे और हमारी जमीनें बढ़ने के बजाय घटती जाएंगी। मैं आपकी तरह हथेली पे सरसों नहीं जमाती, और दुश्मन को कैसे बेबस करके मारना है ये मैंने अपने घर के मर्दों से ही सीखा है। तुम अपनी दुश्मनी में मेरा काम खराब कर रही हो। अगर एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी आड़ लेकर अंबर से अपना बदला ले रही हो। आप जो भी कह लें, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। देखो मैंने कह दिया है, अगर सुंबुल जल्द वापस ना आई तो सदर राणा गलती करने वालों को कभी माफ नहीं करता, समझी? फरहान तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, और आंटी भी घर पर नहीं थी? तुम परेशान क्यों हो रही हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फरहान बताओ मुझे कहाँ गए थे, सब खैरियत तो है ना? वो असल में अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास ले गया था उन्हें। तो फरहान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम मुझे तो बता देते। आप कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, समझ सकते हैं। आंटी की परेशानी की वजह मैं ही, जाहिर सी बात है उनके इकलौते बेटे की जिंदगी में इतनी खामोशी से जो चली आई। सुंबुल इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जो कुछ हुआ जल्दी में हुआ, हम दोनों को सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम्हें क्या बताऊं सुंबुल, मैं क्यों परेशान हूं? मैं जाने मुझसे क्या छुपा रही हैं, ऊपर से दूसरी शादी का जोर डाल रही हैं, मगर मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। सुबह सवेरे मेरी बेटी और बाहर। हाँ माहौल की घुटन से ज्यादा अपने अंदर की घुटन तकलीफ देती है, उसी को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। घुटन तो अपनी सोच से पैदा होती है माँ, और सोच माहौल से बनती है। हमारे घर का माहौल कितना अजीब होता जा रहा है।
कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी और माहौल दोनों बेहतर हो जाते हैं। आप अंबर आंटी को सौतन की तरह कबूल कर सकती हैं, लेकिन मैं उस औरत को कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरी खातिर तुम थोड़ी देर अंबर को बर्दाश्त कर लो। थोड़ी देर के लिए आपकी खातिर उन्हें बर्दाश्त करूं और फिर मुझे उनकी आदत हो जाएगी, यही चाहती है ना? ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी तुम जाओ अंदर, उनके साथ नाश्ता करो एंड प्लीज कल की तरह बिहेव मत करना। कोशिश करूंगी, लेकिन अंबर साहिबा को देखते ही मेरा खून खौलने लगता। अपनी माँ के लिए अपने खौलते हुए खून को कंट्रोल कर सकती हो तुम? और फरहान की फैक्ट्री के मामलात कैसे चल रहे? फरहान तो घर के मामलात में इतना उलझा हुआ है कि मुझे नहीं लगता वो फैक्ट्री को टाइम दे पा रहा है। ठीक है, लेकिन इंसान मल्टीटास्किंग करता है, एक इशू की वजह से दूसरे काम थोड़ी छोड़े जा सकते। ठीक कह रहे हो, मैं भी तो यही चाहती हूँ। बाकी बातें बाद में करते हैं। Won't you come? नीचे नाश्ता करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आपसे कहना, लेकिन क्या करूं? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? आंटी बहुत ही परेशानी की है। आपसे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि आप भी परेशान हो जाएंगी। तो मेरी परेशानी की फिक्र ना करो, बताओ मसला क्या है। एक्चुअली आंटी फरहान आजकल बिल्कुल भी फैक्ट्री को टाइम नहीं दे रहा, और फिर मैं अकेला मैनेज करते करते परेशान हूँ। मार्केट से रिकवरी ना होने की वजह से ना वर्कर्स की सैलरी निकल रही है और ना ही मटेरियल के पैसे। मुझे अंदाजा है अकेले फैक्ट्री चलाना आसान काम नहीं है। मैं मैनेज करने की कोशिश तो कर रहा हूँ आंटी, लेकिन क्या करूं, फंड्स की कमी ने परेशान कर दिया मुझे, और फिर फरहान भी तो कोऑपरेट नहीं कर रहा। और मैं ये चाहता भी नहीं हूं आंटी कि मैं फरहान को परेशान करूं। वो बेचारा पहले ही अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ। तुम फंड्स की फिक्र ना करो, वो मैं हैंडल कर लूंगी। और हाँ, फरहान वाकई में बहुत परेशान है, तुम उसे डिस्टर्ब ना करो। हाँ आंटी मुझे अंदाजा है, फरहान बहुत ही परेशान है। ठीक है, ऐसा करो कि अकाउंट नंबर मुझे टेक्स्ट कर दो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। आपने मेरी हमारी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं बस आपको भी टेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। आप प्लीज नाश्ता कर लें। और आपकी तबीयत कैसी है? जब से तुम इस घर में आई हो मेरी तबीयत मुस्तकिल खराब है। मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी मामा जैसी हैं। देखो लड़की, मुझे अपनी माँ से मिलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उस उम्र में आकर जो कारनामा अंजाम दिया है ना, मैं उसके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे सख्त नाराज हैं। जब मेरी नाराजगी का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो दूर क्यों नहीं हो जाती मेरी नजरों के सामने से? चलो उठाओ ये नाश्ता, ले जाओ यहाँ से। मैं समझती हूँ जिन हालात में मैं यहाँ आई हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मेरे साथ इसी तरह का बिहेव करता। अच्छा तो अब क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे सर पर सवार हो? जाओ यहाँ से। आपको शायद अंदाजा नहीं है, घर के इस तरह के माहौल से फरहान बहुत अपसेट है, सारी सारी रात जागते हैं। आंटी प्लीज आप एक बार मेरी बात मान लें, आप जो भी कहेंगी वो मैं करूंगी। मौका तो अच्छा है, हाथ के हाथ अपनी शर्त इसके आगे रख देती हूँ। अच्छा तो फिर
अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दो। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया था मां? और मैंने भी आपको कुछ बताया था। क्या बता दिया था? कुछ नहीं, नाश्ता? कुछ नहीं, बहुत कुछ है। सुनना चाहेंगे आप? इस तरह बात करोगे अपने डैड से? नायला, रहने दो, बच्ची है। मैं अपने कमरे में नाश्ता कर देती हूँ। नो, इट्स ओके अंबर, तुम यहीं पर रहो, हम सब साथ मिलकर इसी टेबल पे नाश्ता करेंगे। मां बेटा, बात खत्म करो, बहुत हो गई। बात तो अब शुरू हुई है दा। I'm sorry. Please don't slow. अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दो। लक्ष्मा आंटी मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। क्या इन्हें मुझ में अपनी बेटी की खुशी नजर नहीं आती? जो फरहान की दूसरी शादी कराना चाह रही है, फरहान इसीलिए इतना परेशान है। मुझे फरहान को इस मुश्किल से निकालना होगा। खैर, आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है यहाँ? मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खुश हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें, आज ही मैं सोच रही थी कि फोन करके आपसे बात करूं। देख लो, तुमने सोचा और मैंने कॉल कर दी। अब जल्दी से बताओ कि क्या सूरत हाल है। हाँ, सूरत हाल तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जितनी देर तुम लगा रही हो, मुझे लगता है कि मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। नादरा जी, सुंबल भी आखिर आप ही का खून है। जल्दी हार मानने वाली नहीं थी मैं, तो पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या सुंबल ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी? हाँ, वो तो राजी हो ही जाएगी, लेकिन मसला कुछ और है। वो क्या? फरहान तो दूसरी शादी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तो फिर तुम सोच क्या रही हो? सुंबल को धक्के दे के घर से बाहर निकालो। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे फरहान भी आजकल फैक्ट्री नहीं जा रहा, काम भी उसका रुका हुआ है। ऐसा लगता है कुछ पैसों का मसला है उसे। अगर उसे फैक्ट्री के लिए पैसों की जरूरत है तो ये मसला तो मैं हल कर देती हूँ। अरे नादरा जी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? फरहान कभी भी नहीं मानेगा इस बात को। अच्छा, तो मेरा तुमसे वादा है नजमा कि तुम सुंबल को घर से निकालो, मैं फरहान की दूसरी शादी धूमधाम से करने के लिए तुम्हें पैसे अपने पास से दूंगी। जी जी, लेकिन इस वक्त तो सारा मसला सुंबल है। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। जी,
खुदा हाफिज। ये क्या हुआ? या अल्लाह खैर। या मेरे खुदाया, ये क्या हुआ फरहान? ग्लास कैसे टूटा? वो मैं पानी पीने के लिए ग्लास उठा रहा था तो हाथ से छूट गया। रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। छोड़ो, उठो, छोड़ दो। शाबाश, उठो, दो मुझे। क्या हो गया फरहान, किन सोचों में गुम रहते हो? नहीं, फैक्ट्री भी नहीं जा रहे हो, सारा दिन घर में बैठे रहते हो। परेशान नहीं होगे तो क्या होगा? जानबूझ के कौन परेशान होता है? तुम मेरी बात मानो, फैक्ट्री जाना शुरू करो। कब तक अपने काम का बोझ अपने दोस्त पर डालकर रखोगे? अम्मी, आप मुझे घर में सुकून दे दें, फिर मैं हर मुहास पर टट जाऊंगा। फिर क्या हो गया? कुछ नहीं, सोच रहा। फरहान, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। सुमल ने बना दी है चाय। ठीक है, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना, काम पर जाना शुरू करोगे तो तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है? ठीक कह रही हैं आप, कल से फैक्ट्री चला जाता हूँ। शुक्र है तुम्हें मेरी कोई बात समझ में तो आई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? ऐसे मामा याद आ रही थी। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलूंगा, मैं फैक्ट्री जाते हुए छोड़ दूंगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करूं। मेरी कौन सी मुश्किल? फरहान, मुझसे वादा कर कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम आराम से सुनोगे और गुस्सा नहीं करोगे। हाँ ठीक है, बोलो। फरहान, मैं कई रातों से सुकून से सो नहीं पाई, हो सकता है आज अपने दिल का बोझ हल्का करूं तो सुकून की नींद आ जाए। सुमुल, क्या हुआ है तुम्हें? भूख क्यों रही हो? क्या बात है? फरहान, इस अपनी अम्मी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लो। होश में हो तुम? क्या बोल रही हो? मैं होश में हूँ। मैंने तुम्हारी अम्मी से तुमसे वाबस्ता खुशियां, मान, सब कुछ छीन लिया। तुमने कोई खुशी नहीं छीनी सुमुल, अम्मी ने कहा ना तुमसे। तुमने उस वक्त शायद सुना हो ना सुना, पर मैं अम्मी को साफ इनकार कर चुका था। देखो फरहान, अगर मैं अपनी अम्मी को खुशी देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ ना, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम अपनी मामा की खुशी के लिए मुझे कब तकलीफ दे रही थी? तो मैं अपनी अम्मी को खुशी देने के लिए तुम्हें क्यों तकलीफ पहुंचाऊं? फरहान, वो मामला कुछ और था, प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना सुम्बुल, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। आई बात समझ में? फजूल बातें करती रहती हो। लेकिन फरहान, फरहान, तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगे? जब तक तुम फजूल बातें करना छोड़ नहीं देती। तुम जानते नहीं हो, तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। तुम्हें भी शायद अंदाजा नहीं हो रहा, तुम्हारी इस बात की वजह से मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगा। फरहान, हम जिंदगी का हर दुख हर सुख मिलकर शेयर करेंगे, फिर खुद को मुजरिम क्यों समझ रहे हो? मुझे लेने आओगे या मैं खुद आ जाऊंगी? शायद मेरे पास टाइम ना हो, बिजी होऊंगा वहां पे। तुम चली जाना ड्राइवर के लिए।
ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अम्मी और संबुल के दरमियान मैं तो बिल्कुल पिस कर रह गया। पता नहीं अम्मी की इज्जत कब तक इस घर का माहौल बर्बाद करेगी। उन्हें बैठे बिठाए संबल से इतनी नफरत क्यों हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। संबल बेटा, सच सच बताओ, तुम वहां खुश तो हो? मामा मैं बहुत खुश हूँ। ताने क्यों मुझे नजमा की वजह से फिक्र ही रहती है। अब तो एक महीना गुजर गया, हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। बात मुद्दत की नहीं बल्कि वक्त अच्छा या बुरा गुजरने की होती है। मामा, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। जो बातें माँ अपनी बेटी को बरसों में नहीं सिखा पाती, वक्त लम्हों में सिखा देता है। खैर आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है यहाँ? मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खुश हूँ। और नायला आंटी, उनका बिहेवियर कैसा आपके साथ? नायला बिल्कुल चेंज हो गई है, वो पहली वाली नायला तो रही नहीं है। क्या मतलब चेंज हो गई है? मेरा मतलब है कि वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। ये तो अच्छी बात है। और माहम? माहम का तो तुम्हें पता है ना, वो अभीर से बहुत ज्यादा अटैच है, इसलिए इसका मतलब है उसने अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा रिजर्व रहती है। अच्छा छोड़ो, तुम कुछ खाओ ना। हेलो माहम, कैसी हो? अरे हाँ हाँ, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? बस वो मेरा सो कॉल पार्टनर आ जाए, मैं बस आता हूँ। अरे वही फरहान। हाँ चले ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बस फरहान आ गया, मैं आ रहा हूँ। ओके खुदा हाफिज। तुम्हें देखकर तो लग रहा है हमारे बिजनेस ने काफी तरक्की कर ली। क्या खाक तरक्की की ऑफिस ने? तुम्हारा दिल तो करता नहीं ऑफिस आने को। अच्छा ये जो बाहर नई गाड़ी खड़ी है तुम्हारी? हाँ वो अब्बा ने दिलवाई है यार। फैक्ट्री के मामला कैसे चल रहे हैं? वही रिकवरी प्रॉब्लम, तुम आ गए, अच्छा किया तुमने। जरा तुम रिकवरी के लिए फोन खड़काओ, मैं चलता हूँ। अरे मगर मगर कुछ नहीं यार, जब से अब्बा ने गाड़ी दिलवाई है 100 काम मेरे दिमे लगा दिए। छोटी बहन को कॉलेज से घर ड्रॉप करना है, मैं चलता हूँ यार, मुझे पहले ही देर होगी। मैंने फरहान को ऐसी कोई कसम नहीं दी है, आप प्लीज मेरा यकीन करें। बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। रब्बा मेरे आप क्या हाल सुनामा, रब्बा मेरे आप क्या हाल सुनामा। नायला आंटी, माहम कहाँ है? बेटा वो तो अपने कमरे में, बट इज एवरीथिंग ओके? हाँ एवरीथिंग्स फाइन, मगर कोई बात हुई है क्या? क्योंकि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो जब से अंबर यहाँ आई है तो माहम अबीर से नाराज है, फिर आज सुंबल भी यहाँ आई अंबर को मिलने, तो तुम्हें तो उसके गुस्से का पता है। तो सुंबल चली गई क्या? हाँ सुंबल तो चली गई, लेकिन माहम अपने कमरे से नहीं निकल रही। बेटा
तुम उसको समझाने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। ठीक है आंटी, आप परेशान हो, मैं उससे बात करता हूँ। थैंक यू। वहां दरवाजा खोलो, चले जाओ यहाँ से, नहीं मिलना है मुझे किसी से भी। महाम, अच्छा एक बार मिल लो, फिर नहीं आऊंगा। अच्छा तो मुझसे भी नाराजगी? सारे फसाद की जड़ तुम हो, सुंबुल की मां को लाकर हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में ढाल। जो तुमने किया है ना उसे कहते हैं नेकी कर और दूसरे के सर पे डाल। यू नो गुस्से में तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाता है। शॉट अप इमाद, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट फाइन। अच्छा ये बताओ अंबर आंटी के यहाँ पर आने से तुम्हारे पेरेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम तो हुआ है ना? जी नहीं, बल्कि डैड अब हर वक्त ये नजर रखते हैं कि कहीं सुंबुल की माँ के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। और तो और उनकी वो चाही थी सुंबुल भी आ जाई थी, वो तो अच्छा हुआ कि डैड जा चुके थे। अच्छा तो इसलिए मूड ऑफ है। देखो इमाद, मैं तो सबके कहने पर सुंबुल की माँ को बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मगर डैड को मॉम और सुंबुल की माँ में से किसी एक को चूज करना होगा, वरना वो सैंडविच बन जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती हूँ। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता देती मैं आ जाती। तुम तो अपने कमरे से निकलती नहीं हो, मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे कमरे में चली हूँ। कहिए क्या काम है? आज मासी नहीं आई है, छुट्टी है उसकी। खाना तो मैंने बना लिया, अब तुम जाकर अच्छी तरह किचन की सफाई कर लो। जी। और सुनो अच्छी तरह से घर में पोछा लगा लेना, मक्खियां बहुत आ रही है घर में। अब खड़ी क्या देख रही हो, जाओ ना। जी। मैं सुंबुल को शादी की मुबारकबाद देने आई। अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम। जीती जीती मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप यहाँ आई हैं। बेटा औरत के साथ जब माँ का लफ जुड़ जाए तो औलाद के लिए उसके दिल में ममता भर जाती है, और अगर माँ सौतेली हो तो उसे इस रिश्ते को निभाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। यकीन जानिए आंटी, मेरे लिए आप और मामा एक जैसी हैं। जी तेरा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे खानदान की रवायत है कि बेटी के घर से कुछ खाते पीते नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, कुछ तो लेना ही होगा। बेटा तुम दोनों अब खामोशी से मेरे सामने बैठ जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम दोनों को मिलने और देखने आई। वाह, बहुत खूब। पहले सगी माँ आई थी मिलने, और अब सोतेली माँ मिलने आ गई। सगे सोतेले सब रिश्तेदारों को घर पे बुला रही हो, घर नीवा कोई होटल हो गया। मेरी बात कान खोल के सुन लो, 5 मिनट के अंदर अपने रिश्तेदारों को इस घर से बाहर करो, वरना मैं धक्के देकर निकाल दूंगी तुम्हें भी
और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी। बस तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। आंटी, I'm really sorry. मैं भी आता। अरे बेटा, तुम शर्मिंदा ना। मुझे अंदाजा है कि फरहान की वालदा को भी थोड़ा वक्त चाहिए। बेटा, ये जो मुश्किल वक्त है तुम गुजार लो, और अगर फिर भी बात ना बने तो बिना झिझक मेरे पास चले आना। और हाँ, अंबर के पास ना जाना, वो बेचारी अपनी जिंदगी बनाने में लगी है, अपना घर बसा रही है। अगर तुम उसके पास चली गई तो अंबर की सौकन और उसकी बेटी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी में मुश्किलात खड़ी कर देगी। हर सौकन नादरा तैमूर जैसी नहीं होती। मेरी शहजादी, परेशान क्यों होती हो? एक माँ की दुआएं और दूसरी माँ खुद तुम्हारे पास मौजूद है, फिर तुम दिल छोटा क्यों करती हो? मेरी बच्ची, नहीं सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, वो सुंबल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। फरहान की वालदा की वजह से मेरा वहाँ जाना भी मुनासिब नहीं है ना। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। इमाद, मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है अगर हो सके तो तुम वहाँ जाओ और उनकी खैरियत पता करके मुझे बता दो। इज दैट पॉसिबल? जी आंटी, ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। आप बिल्कुल परेशान ना, मैं कल ही सुंबल और फरहान से मिलता हूँ, बल्कि मिलने के सिलसिले के लिए मैं कुछ प्लान भी करता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। मैं तुम दोनों के लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या बातें हो रही थी अंबर से? क्या फिर अंबर का? माम, तुम अंबर आंटी को अंबर कह रही हो, तो मैं पहले भी मैंने समझाया कि वो तुमसे बड़ी हैं, उनका एहतराम करो। आंटी कहने का हक अंबर ने खुद खोया, हर रिश्ते को अंबर ने खुद खत्म किया। मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। नजमा, भाई तुम क्यों अपने साथ दुश्मनी करने पे तुली हुई हो? जब अपना ही खून सर उठाकर खड़ा हो जाए तो फिर दुश्मनों की जरूरत कहां रहती है? एक महीना होने वाला है, कब तक अपनी बहू को घर में रखोगी? किस बात का इंतजार कर रही हो? मुझे अपनी बेबसी से रोने से फुर्सत मिले तो फिर मैं इंतजार का भी सोचूं। नादानी की बातें ना करो, और सुनो, सुंबुल अगर माँ बन गई तो बाप बनने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल देगा। फिर मैं कब तक यहाँ शहर में बैठ के सुंबुल का इंतजार करती रहूंगी? आप जैसा जैसा मुझे कह रही हैं, मैं वैसा ही तो कर रही हूँ। मुझे गांव वापस जाना है। मैंने अपने जेठ से वादा किया है कि मैं सुंबुल का घर उजाड़ कर ही वापस आऊंगी। अब तुम अपनी बहू पर जुल्म और तशद्दुद करना शुरू कर दो। उसे कमरे में बंद करो, घर से बाहर निकालो, कुछ करो, लेकिन जल्दी करो, अब देर ना करो। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। ठीक है, आप मेरा यकीन करें, सुंबल तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही।
अब तो आपने मुझे कह दिया ना। अब आप देख लीजिएगा, सांस लेना मुहाल न कर दूं ना उसका, तो मेरा नाम भी नजमा नहीं। मेरा घर मेरे लिए कुल कायनात, और तुमने इस घर में आके मेरी कायनात के दो टुकड़े कर दिए। मैंने क्या किया है? हो तो आखिर जागीरदार की बेटी ना, और हमें अपनी अनपढ़ रियाया समझती हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। अच्छा, बेवकूफ समझती हो मुझे? एक तरफ तुम मुझे कह रही हो कि फरहान दूसरी शादी कर लेगा, और दूसरी तरफ तुमने फरहान को अपनी जान की कसम देकर रोका हुआ है कि वो दूसरी शादी ना करे। मैंने फरहान को ऐसी कोई कसम नहीं दी है, आप प्लीज मेरा यकीन करें। बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, समझी तुम? फरहान आ गया, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम आज बच गई, लेकिन बार बार किस्मत ऐसे मौके नहीं देती। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम?